हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके हर एक फॉर्मूले को सीखेंगे और उसके साथ साथ, ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है NCERT 13.1, उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला बेटा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप प्रॉपर वे में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि फार्मूला के बिना कुछ नहीं होगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर आपके सारे फार्मूले आपको याद हैं और आपको कैलकुलेशन प्रॉपर आती है तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है, बेसिक एक सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला फिगर मैंने लिया है वो है क्यूब। मैंने क्या लिया बेटा, क्यूब लिया। क्यूब किसे कहते हैं? एक ऐसा फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम टू सेम होती हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 का है, तो ये भी 4 का अगर है, तीनों अगर सेम टू सेम है, हाइट अगर सेम है, ब्रेथ सेम है, ठीक है, लेंथ सेम है, तीनों सेम टू सेम है, तो उसे हम क्यूब बोलेंगे। ठीक है, तो एक बात आती है, सरफेस एरिया की बात आएगी, एक बार आएगा कभी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सरफेस को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ आप समझते हैं ना, किसी जैसे ये एक एक फेस है ना, तो इसको अगर कवर अप करना है मुझे, ऐसे कवर अप करना है, तो ये सरफेस हुआ इसका। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? अगर आपसे बोलेगा कि सरफेस एरिया निकालो क्यूब का, तो फॉर्मूला होता है 6a² ए क्या है? साइड है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब एक फेस अगर नीचे की तरफ है ना, लेटरल सरफेस तो बाहरी 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 जो सरफेस आपको दिख रहा है उसका अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, तो उसका फॉर्मूला होगा 4a². अगर आपके पास क्यूब है और उसकी आपको डायगोनल निकालनी है, ये जैसे कि डायगोनल है, तो उसका फॉर्मूला होता है √3a। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? √3a। और अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट LBH। ठीक है, तो a into a, तो ये क्या हो जाता है बेटा? ए क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। साइड की पावर में कितनी आ जाएगी? क्यूब आ जाएगी। ओके बच्चों, क्यूब के बारे में समझ गए। फॉर्मूला मैं पहले सिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2 बाहर आ जाता है LB + BH + HL। ठीक है, ये। और अगर इसमें बोलते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 2H ब्रैकेट के अंदर L + B। और अगर इसमें बोल दे कि डायगोनल क्या होगा, वैसे कि ये सब जनरली पूछे नहीं जाते, अगर बाय द वे पूछ दें, तो ये फॉर्मूला होता है L² + B² + H² का स्क्वायर रूट। और अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो LBH, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट। सिंपल। नेक्स्ट आपको हम दिखाते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर वो सिलेंडर नहीं जो आपके घर के अंदर है, ठीक है, सिलेंडर का मतलब यहाँ पर है बेलन से। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है बच्चों? बेलन बोला जाता है। ठीक है, इसे हमें क्या बोला जाता है? बेलन। तो बेलन के बारे में हम सीखेंगे। तो देखो क्या होता है बेलन में, क्या होता है, एक रेडियस होती है, ठीक है, एक रेडियस होगी और उसकी सर्टेन हाइट होगी। ठीक है, कभी कभी जो क्वाइन होता है, जो सिक्का होता है ना बेटा, वो सिक्का हमारा क्या है? एक सिलेंडर है, क्योंकि सिक्के में उसकी रेडियस भी है और उसकी हाइट भी है। कई लोग सोचते हैं, कई बच्चे मैंने पढ़ाते हुए सोचते हैं, सर ये तो एक सर्कल है। सर्कल नहीं है, वो एक सिलेंडर है, क्योंकि एक सर्टेन हाइट है, भले ही हाइट वो उसकी छोट जितनी भी कम हो, है ना, अगर किसी में रेडियस है और हाइट है तो वो बेटा सिलेंडर होगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है? कर्व सरफेस का मतलब है, देखो बेटा, बाहर बाहर से, जैसे ये सिलेंडर है ना, एक आप समझ लो कोई पाइप है, तो पाइप के बाहर से आपको पेंट करना है, तो बाहर बाहर से पेंट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH फॉर्मूला। ठीक है, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सपोज करो ये जो पाइप है वो सॉलिड है, या फिर ये लकड़ी का टुकड़ा है, यहाँ से पूरा सॉलिड है,
यहाँ से भी पूरा सॉलिड है, लकड़ी है ये, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकला लेंगे? देखो बाहर बाहर से तो आपका है ही है 2πRH, प्लस इधर से भी आपका क्या है, एक सर्कल है पृष्ठ, अगर इस पर भी एक आपका क्या है सर्कल है, तो ये सर्कल का एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया, और इधर लेटरल आपका तो है ही है क्या 2πRH, कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, और प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेसिस, ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला बना है तो 2πRH प्लस 2πR², 2πR कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एच प्लस आर, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अगर आपसे बोले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वो होता है बेटा πR²H, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में, ठीक है। अब राइट सर्कुलर कोन, जैसे कोन, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना फॉर एग्जांपल, वही उसे आप समझ सकते हैं। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, इसमें आपकी रेडियस होगी, आपकी हाइट होगी, और आपकी स्लैंट हाइट होगी, तिरछी हाइट, हिंदी में तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो देखो बाहर बाहर से तो पाई आर एल होगा, और साथ में यहाँ से क्या है बेटा, एक सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है आपको। सो ये तो शॉर्टकट में मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये आता कहाँ से है, पाई आर एल, नीचे से पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लोगे पाई आर, तो अंदर बचेगा एल प्लस आर, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3πR²H। देखो फॉर्मूले को आपको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, कोई शॉर्टकट नहीं है इसे बचने का, इसे लिख के कॉपी में चार्ट में चिपका के आपके दीवार के सामने चिपका दो, जितनी बार क्वेश्चंस करोगे उतनी बार फॉर्मूला लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। सुबह एक एक पॉकेट नोट बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूला लिखो और उसको हमेशा पढ़ो, चलते फिरते, घूमते बैठते, सोते जागते, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक इसमें एक रिलेशन होता है, देखो यहाँ पर 90 एंगल बना रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल होता है, इस रिलेशन को भी लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्फेयर के बारे में। स्फेयर क्या होता है बेटा, जस्ट लाइक बॉल, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठीक है, ये सब हमारे स्फेयर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है। इसमें क्या होता है बेटा, ओनली रेडियस होती है इसकी, ठीक है, यहाँ से जिस तरह भी मेज़र कर लोगे वो आपका रेडियस है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सरफेस एरिया होता है जो कि फॉर्मूला होता है इसका 4πR², एक होता है वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला होता है 4/3πR³, ये अपने छोटी क्लासों में भी बड़ा होगा, ठीक है। अगर इसी बॉल को बीचों बीच से यहाँ से अगर काट दें तो क्या बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर, उसे हम क्या बोलते हैं, हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है यहाँ यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πR². अब कर्व्ड सरफेस एरिया से अगर टोटल सरफेस एरिया बोले, देखो इधर से तो 2πR² है और इधर से क्या है बेटा, एक सर्कल, तो देखो क्या हो जाएगा बेटा 2πR² और इधर से πR², तो ऐड होकर क्या हो जाएगा 3πR², और अगर वॉल्यूम बोले आपको तो उधर उस वाले में 4/3 था, इसमें क्या हो जाएगा 2/3πR³, ठीक है, हाफ कर देना है, दैट्स इट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पिछले साल भी और इस साल जब से कोविड आया है तो फर्स्ट टर्म वाला पोर्शन हटा दिया जाता है, बट मैं चाहता हूँ कि बेटा अगर ये वीडियो कोई नया स्टूडेंट देखना देखेगा फ्यूचर में तो उसको बेनिफिट हो, तो मैंने जानबूझकर इसको ले रखा है फर्स्ट टर्म को, ठीक है। आप भी सीखोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है, कोई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, अगर आपके पास एक टोपी है, एक एक कोन है, उसको आपने बीचों बीच से काट दिया, तो ये जो नीचे वाला फिगर है, ये जो फिगर है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन बोलते हैं इसको। फर्स्ट टर्म में क्या होता है ना बेटा, आपके पास एक दो रेडियस होती है, एक छोटी रेडियस होती है, एक बड़ी रेडियस होती है, आपके पास एक हाइट भी होती है और एक स्लैंट हाइट भी होती है। तो ऐसा फिगर जिसमें दो रेडियस हो, हाइट हो, स्लैंट हाइट हो, तो ऐसे फिगर को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म कैसे मिलते हैं, कोन को काट दोगे किस किसी भी जगह से तो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ठीक है। सो इसके फॉर्मूले को भी एक बार ध्यान से देखिए, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया,
फॉर्मूला का क्या होता है, पाई, उसमें होता है पाई आर एल, इसमें हो जाएगा पाई आर वन प्लस आर टू एल, और एल बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये अच्छे से लिख लीजिएगा आप। टी एस है टोटल सरफेस एरिया, ये फॉर्मूला होता है पाई आर वन प्लस आर टू एल, और ये इधर से भी एक सर्कल है और इधर से भी एक सर्कल है, वही चीज़ है, पाई आर वन स्क्वायर प्लस आई पाई आर टू स्क्वायर, पाई कॉमन लेके लिख दिए। और वॉल्यूम क्या होता है वहाँ पर, वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर वन अपॉन थ्री पाई एच आर स्क्वायर की जगह ये लग जाएगा, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर राइट सर्कुलर हॉलो सिलिंड्रिकल भी लिया है, अगर सिलिंड्रिकल आपका होल टाइप में है, ठीक है, अगर इसकी कुछ विथ है यहाँ से तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर पी का मतलब पाई से है, तो ये हालांकि बहुत ना के बराबर पूछा जाता है, बट फिर भी मैंने यहाँ लिख लिया है, आप भी लिख लेना और लर्न कर लेना, क्या पता एग्ज़ाम में आ जाए, कुछ कह नहीं सकते ना सीबीएसई वालों, तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है, ठीक है, नेट प्रैक्टिस अच्छे करके जाएंगे तो मैच जब हमारा होगा तो उस पर हम परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएंगे, स्कोर अच्छा कर पाएंगे, तो ये हमारी मैच प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। सारे फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के आपको आइडिया लगाना है फिगर का, क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद कैलकुलेशन सही करोगे ना, नंबर आपको भरपूर मिलेंगे, कहीं पे कोई नंबर कटफट नहीं होगा। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, पहला क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज है बेटा, वो आपका कौन सा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज है आपकी, ये 13.1। ओके, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज, मतलब अनलेस स्टेटेड, अगर दिया जब तक ना हो आपको हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज़ करनी है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, क्वेश्चन बोला टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm³ आर ज्वाइंट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। सो देखो बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास दो क्यूब हैं, ठीक है, क्यूब आपको अभी मैंने बताया था क्या होता है, ऐसा फिगर जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है, तो ऐसे हमारे पास दो क्यूब हैं सेम टाइप के, ठीक है, दो क्यूब हैं, ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन करना, लेकिन इसका जो वॉल्यूम दे रखा है, इसका जो वॉल्यूम दे रखा है गिवन, क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो हमें दे रखा है 64 cm³। ओके, सो हम अपने से मान लेते हैं, अपने से अज्यूम कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब, क्यूब है तो उसका साइड तो होगा ही है, उसको हमने ए मान लिया, ए सेंटीमीटर, ठीक है, ये अपने से मान लिया हमने। सो देखो बेटा ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इट इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 64 कैन बी रिटन एज 4³। सो कंपैरिजन करेंगे, क्यूब से क्यूब हट जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 cm, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 cm आ गई, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है ना बेटा, मैं वैसे ही पूरा प्रॉपर लिखवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों क्यूब को ऐड किया जाता है, ठीक है, पहला क्यूब आपका क्या है बच्चों, ये है, ये एक क्यूब है, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरा क्यूब ऐसे रख दिया सेम चीज़ का, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरा क्यूब रखा गया है। अब क्यूब में प्रॉपर बना तो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, सो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मेरी उतनी फिगर उतनी अच्छी बनती नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा ट्राई किया है कि शायद थोड़ा बहुत फिगर लग जाए, ये क्यूब टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद देखिए बच्चों, ये आपके क्या है ब्रेथ है, ये तो ए ही रहेगी, लेकिन ये ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए है, ठीक है, और लेंथ उतनी है,
हाइट उतनी है। देखो ये आपकी जो लेंथ होगी ना बेटा, आप खुद देख रहे हैं, दो को रखो तो हियर आप लिख सकते हो, जो लेंथ होगी वो होगी ए प्लस ए, विच मीन्स 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ होगा, जो चौड़ाई होगी वो ए ही रहेगी यानी कि 4 सेंटीमीटर, और जो हाइट होगी वो भी 4 ए ही रहेगी, ठीक है, और वो भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। सो दोनों को ज्वाइन करने पर जो हमारा क्यूबॉइड मिला था, ये फिगर का नाम क्या है बेटा? क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यही निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2 LB + BH + HL, यही होता है। अब मेरे पास ना एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैंने एक पेज ऐड कर लिया, कैलकुलेशन भी तो करनी है। ओके सो मैं यहाँ से, फॉर्मूला क्या है? 2, लेंथ मेरे पास कितनी है बेटा? मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। 2, ठीक है, 2 फॉर्मूला होता है LB + BH + HL, यही था। 2 लेंथ मेरी 8, वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ 4 × 4, और H मेरी 4, L मेरी 8, 4 × 32 16, 32, तो ये 2 32 32 64, 64 और 16 80, 80 × 160 हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो आप लास्ट में प्रॉपर लिख सकते हो, सो और सरफेस एरिया जो होगा, रिजल्टेंट सरफेस एरिया वो कितना होगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत हो तो बेटा वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ, ठीक है, वेसल क्या है बेटा हमारे पास? इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमी स्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमी स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। जो वेसल हमारा बनेगा ना, तो उसका हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है, ये हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। सो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। हमसे क्या बोला गया? ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमी स्फीयर, एक हमारे पास हेमी स्फीयर है, ठीक है, ये हेमी स्फीयर है। ओके फिर क्या बोला गया है? हेमी स्फीयर माउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, इसी के ऊपर एक माउंटेड करके रखा गया, हॉलोस आपका सिलेंडर है, सिलेंडरकल भी खाली ही है, ये सिलेंडरकल सिलेंडर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो चीज़ गिवन है, देखो जो इस जो आपका इसका रेडियस होगा वही आपका इसका रेडियस होगा, ठीक है। सो देखिए बच्चों, यहाँ से देखो, मैं जो जो गिवन है ये रेडियस है ना बेटा, रेडियस दोनों का सेम होगा, तो रेडियस कितना दे रखा है? द डायमीटर ऑफ द हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर का डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हाइट ऑफ द वेसल, जो जो बर्तन की आकृति बनी है इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। सो देखो बच्चों, हम गिवन करके लिखेंगे, हमें गिवन क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर एंड सिलेंडर, दोनों की रेडियस सेम है, 14/2, क्योंकि डायमीटर 14 था,
यानी कि 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर टोटल, देखो हाइट कैसे निकलेगी, जब टोटल में से इतनी इतनी माइनस कर देंगे तो हमें इतनी हाइट मिलेगी, है कि नहीं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, तो टोटल हमारे पास 13 है, माइनस कर देंगे 7 तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हाइट को हम एच बोल लेते हैं और रेडियस हमारे पास 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो चीज़ हमें चाहिए वो जो हमें मिल चुका है। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल मतलब बर्तन, इस बर्तन का हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो वो क्या होगा बेटा, वो किसके इक्वल होगा, इसका प्लस इसका, ठीक है, अंदर का निकालना है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम हर बार शॉर्टकट में सी एस ए लिखेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला रख के सॉल्व करना है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πRh, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2π हम कॉमन ले सकते हैं, r भी कॉमन ले लो, यहाँ से h प्लस r बचेगा। 2π की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है बेटा, 22 अपॉन 7 लेनी है। रेडियस भी हमारे पास 7 है, एच हमारे पास 6 है और आर हमारे पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 जो 14 और 6 और 7 13 आ जाएंगे। 13 × 44 मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 × 44 आपका आ जाएगा 572, क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल लेंगे तो जो भी आपकी यूनिट दे रखी है उसकी पावर में आपको 2 लिखनी ज़रूरी है। अगर ये सब आप नहीं लिखेंगे तो नंबर कटते रहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट या दिक्कत हो बेटा, एक बार ज़रूर दोबारा देख लें, आशा करता हूँ कोई डाउट या दिक्कत नहीं रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है उसे हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है टॉय का, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपन का काम है वो क्या है बेटा, कि हमें क्वेश्चन को पढ़कर फिगर बनाना है। कह रहे अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, तो पहले कोन बोला है सो हम कोन बनाते हैं, ठीक है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये जो कोन है वो किसके ऊपर माउंटेड है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है जिसकी रेडियस सेम है, ठीक है। मेरी फिगर उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है आईपैड में, सॉरी गाइस, लेकिन समझ पा रहे हो यार, इतना तो हो ही रहा है ना। कह रहे हैं जो जो फिगर अभी टोटल बना है ना, उसकी जो टोटल हाइट है वो दे रखी 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ओके। फिर हमें क्या बोला गया है कि जो रेडियस है वो कितना है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 है तो ये भी बेटा 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, ओके। ये चीज़ तो हो गई, उसके बाद हमें हाइट भी चाहिए होगी कोन की, ठीक है। कोन की, कोन की हाइट हम मान लेते हैं एच, ठीक है, कोन की हाइट हम एच मान लेते हैं। हाइट ऑफ कोन एच वो क्या हो जाएगा, टोटल हाइट,
टोटल हाइट में से आपको ये वाला हाइट क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा तभी ऊपर वाला बचेगा। तो 3.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ये चीज़ आ गई, क्योंकि आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया में देखो, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। आपको एल गिवन नहीं है, आपको स्लेंट हाइट गिवन नहीं दे रखा है, तो आपको निकालना पड़ेगा स्लेंट हाइट, ऐसे बात नहीं बनेगी। सिंस जो बेटा एल होता है ना, वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, होता है, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। और आपको देखो बेटा, रेडियस ऑलरेडी गिवन है, दोनों का रेडियस सेम है ना, 3.5 है। सो 3.5 का मतलब 7/2 सेंटीमीटर। सो एच हमारे पास कितना बेटा, 12 है, अभी निकाला आपने 12 का स्क्वायर, और रेडियस अपन के पास कितना है, 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, 49/4 कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हम, एलसीएम में 4 आ जाएगा, 144 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 576 प्लस 49, तो ये आ जाएगा 625 अपॉन में 4। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 2 पॉइंट, तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको कितना मिल जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, कोन का, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, है कि नहीं। सी एस ए इसका आएगा प्लस इसका आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूला रख के। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सी एस एफ कोन, कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर एल, ठीक है। हेमीस्फेयर का क्या होता है बेटा, 2πr², ठीक है। और 13.1 एक्सरसाइज में सारा सी एस ए का फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये इसकी खासियत है। तो पाई की वैल्यू जहाँ तक ना बोला जाए 22/7 लेना है, ले लिया। रेडियस हमारे पास कितना है, 7/2, और एल हमारा निकला था 12.5। 2π की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है यानी कि 7/2 × 7/2, रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 7 से 7 कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल, ठीक है। सो 12.5 को जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बट आपको मिलेगा 137.5। मल्टीप्लाई करके अब 2 से डिवाइड भी करना है ना, तो ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आपको क्या मिला देखो बेटा, ये कट जाएगा, 2 × 2 = 1177। ऐड कर दो, ऐड करना आपको आता ही होगा, 137.5, 77 को यहाँ लिखेंगे, इधर कुछ नहीं तो पॉइंट में 0 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, एक बार ज़रूर दोबारा देखें, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अ
क्यूबिकल वर ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फेयर, वॉट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फेयर कैन हैव? फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। पढ़ा आपने, देखो मैथ में क्वेश्चन करने का सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसके बाद बाकी चीज़ों को अज्यूम करते हुए चलनी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है। एक क्यूब बनाता हूँ, क्यूब अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम टू सेम होती है। ये मेरे पास क्यूब है, इसके ऊपर बड़े से बड़ा डायमीटर का क्या रखा जा सकता है? हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर रखने के लिए बोला है ना। ठीक है, बड़े से बड़े डायमीटर का है, कितने बड़े डायमीटर हेमीस्फेयर रख सकते हो? देखो अगर तुम इससे इस डायमीटर से बड़ा लोगे ना, तो एक कटोरा, जब सपोज करो हेमीस्फेयर कटोरे के शेप में है, कटोरा ही होता है, कटोरे के शेप में तुम बड़ा डायमीटर रखोगे ना, वो इधर से लुढ़क के गिर जाएगा, या फिर इधर होगा तो इधर से लुढ़क के गिर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आ रही है? तो कटोरों की जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकती है, अरे यार क्या हो गया, ठीक है ये आईपैड में बढ़ाने का है, थोड़ा बहुत नुकसान भी है कि देखो पता नहीं कहाँ से क्या टच हुआ, ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो कटोरे की जो मैक्सिमम आपकी जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है डायमीटर? क्यूब के साइड के बराबर हो सकती है, या आप ज़्यादा बढ़ा लोगे तो साइड से गिर जाएगी। क्लियर, साइड से गिर जाएगी। ओके, सो जो पहला आंसर है, ठीक है पहला आंसर आपसे क्या बोल, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर? सिंस ग्रेटेस्ट, पहला आंसर ग्रेटेस्ट डायमीटर, ऑफ हेमीस्फेयर वो कितनी हो जाएगी, जो भी इसका आप मानोगे, लेट ये कितना है बेटा, ये मान लेते हैं कि इसकी जो एज है, ये जो साइड है वो कितनी है, ए है। ठीक है, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर, सो इसी वजह से हम ये क्या हो जाएगी, ए सेंटीमीटर हो जाएगी। डायमीटर की बात पूछी थी आपसे, पहला काम आपका आराम से हो गया। ठीक है, देखो अभी मैं बोल रहा था ना, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास ये एक चीज़ है, ठीक है ये एक चीज़ है, सरफेस एरिया का मतलब होता है इसको आपको रैप करना है, इसको आपको ढकना है, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। ठीक है, आपके पास एक कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है किसी को गिफ्ट देना होता है, आप क्या करते हो उसके पे पन्नी चढ़ाते हो, तो वैसा समझ लूँ कि आपके पास एक बॉक्स है, आपको उसको जितने चारों तरफ से पन्नी चढ़ानी है, तो उसी का मतलब होता है सरफेस एरिया। जितना पन्नी तुम चढ़ा रहे हो जिधर जिधर से, वो उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। आई बस समझ में, वो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इसको भी पन्नी ही चढ़ानी है, ये जो फिगर है ना, इसको आपको पन्नी चढ़ानी है, ये मैं आप आम भाषा में बोल रहा हूँ। तो कितनी पन्नी तुम चढ़ाओगे वो सरफेस एरिया तुम्हें बतानी है। ठीक है, वो सरफेस एरिया तुम्हें बतानी है। अगर मैं बात करूँ ये जो हेमीस्फेयर वाला पार्ट है, इसका रेडियस क्या होगा, क्योंकि डायमीटर ए है तो रेडियस क्या हो जाएगा, ए बाई टू सेंटीमीटर है कि नहीं? अब देखो तुम्हें पन्नी जब चढ़ानी है, ठीक है तुम्हें जब पन्नी चढ़ानी है, तुम पन्नी इधर से चढ़ाओगे, इधर से चढ़ाओगे, इधर से चढ़ाओगे, इधर से चढ़ाओगे और इधर से चढ़ाओगे, है कि नहीं? यहाँ से तुम चढ़ाओगे क्या? नहीं चढ़ाओगे। सो देखो अब मेन पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के, ठीक है क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आ जाते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिख दो। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
प्लस। देखना ध्यान से, ये क्या है बेटा? ऊपर से हेमिस्फेयर है, प्लस प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, क्या इतना ही होगा? क्या इतना ही होगा? नहीं, हमें कुछ माइनस भी करना है। क्यों? क्योंकि जब आपने क्यूब का ऐसे लिया, उसमें ये वाला पार्ट भी आ गया है जो कि इससे ढका हुआ है। ठीक है, आप तो ऊपर से ही ढक रहे हो, यहाँ से थोड़ी ना ढका आपने। ये वाला पार्ट उसमें कैलकुलेट हो गया, और ये वाला कौन सा पार्ट है जो ये कटोरा घेर रहा है? ये वाला पार्ट हमने ज़्यादा उसमें ऐड हो चुका है, ये वाला पार्ट उसमें ज़्यादा ऐड हो चुका है, कटोरा वाला पार्ट ज़्यादा ऐड हो चुका है। तो उस कटोरे वाले पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा नीचे वाला। तो वो क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि कटोरे के नीचे वाला पोर्शन क्या है? सर्कल है। ठीक है, सो देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? 6 × साइड का स्क्वायर। साइड अपन के पास क्या है? ए। फिर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2π r² 2π r। कितना है बेटा मेरे पास? रेडियस मेरे पास a/2 स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल π r² π r। कितना है बेटा? a/2 स्क्वायर। तो 6a² और यहाँ 2π, में से ये वाला घटाओगे तो 1π बचेगा, π a/2 a² ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6a² π a² / 4। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड दे रखी थी वो 7 सेंटीमीटर दे रखी थी। ए मेरे पास क्या है बच्चों? 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रख देते हैं, कैलकुलेशन का एंड पार्ट है। ए मेरे पास 7 है, ठीक है, पाई मेरे पास 22/7, और ए मेरे पास क्या है बेटा? 7 7 का स्क्वायर / 4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, 6 × 49, यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, 2 1 2 1 77/2। ठीक है, इसको काटो, 2 3 6 17 हो गया, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, तो 6 × 49, 6 9 54, तो यह आ जाएगा 294 + 38.5, ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 332.5 cm². ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब आपको देखना है ध्यान से, ठीक है, उसी लॉजिक पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, आपके दिमाग का टेस्ट करेगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। क्या बोल रहे हैं? अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमी स्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अब इसमें बोला गया है कि जो डायमीटर है ना हेमी स्फेयर का, वो एक क्यूब के एज के इक्वल है, ये चीज़ इसने बोल दी है। डिटरमाइन द सर्फेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब इसमें यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताना चाहूँगा, और जो मैं नोट का बोल रहा हूँ उसे आप कॉपी में नोट करके लिख लो, ये बहुत काम का नोट है। ठीक है, नोट क्या है कि अगर आपसे बोला जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो किसी भी पार्ट के लिए, अगर बोलते हैं सपोज करो ये आपके पास एक सॉलिड है जो कि सिलेंड्रिकल पार्ट में है, अब यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक काट के निकाल दिया गया है, सो आपके पास जो फिगर बचेगा वो ऐसा बचेगा, है ना। सो आपको लग रहा होगा, आपका दिमाग आपको ये कह रहा होगा कि अगर जो रिमेनिंग पार्ट का मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा कि सिलेंड्रिकल के कर्व्ड सरफेस एरिया से मुझे इस वाले को माइनस कर देना होगा, हेमिस्फेयर कर्व्ड सरफेस एरिया को, तब मुझे मिलेगा शायद। तो आप गलत हो, ये नहीं होगा। जब जब कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेगा ना,
तब तब अगर आपको लग रहा है कि कुछ काट के बाहर निकाला गया, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? आप पूछोगे सर क्यों? तो बेटा देखो, जब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ पृष्ठ क्या है? देखो, आपको यहाँ से पृष्ठ मिलेगा, इधर से मिलेगा, इधर से भी तो एक पृष्ठ मिलेगा जो कि किस फॉर्म में? हेमिस्फेयर के फॉर्म में है कि नहीं? तो जब आप पन्नी चढ़ाओगे, बाहर से भी पन्नी चढ़ाओगे, अंदर से भी तो पन्नी चढ़ेगी। सिंपल वे में अगर बताऊं, अंदर से भी तो पन्नी चढ़ेगी, तो इस वाले पार्ट को भी तो तुम्हें पन्नी चाहिए होगी, है ना? पन्नी इस वाला एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ पाओ। ओके, और कोई रीज़न नहीं है पन्नी वाला। अब देखो फॉर्म क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लो फिगर। ओके, ये हमारे पास क्यूब है। अब इसमें साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा है। इसके अंदर से एक हेमीस्फेयर काटा गया है। यहाँ से काटा गया तो ये वाला रीजन क्या होगा? खोखला होगा। ये वाला रीजन क्या होगा बेटा? खोखला होगा, ठीक है। ये वाला रीजन अंदर यहाँ से क्या बेटा? खोखला है। इसको मैं थोड़ा ऐसे भर देता हूँ। ये जो मैंने किया है इसका मतलब क्या है कि ये आपका खोखला रीजन है, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ क्यूब वो कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर है। देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर आर बराबर, वो क्या होगा? डायमीटर इसका ए है, उसका हाफ हो जाएगा, a/2 सेंटीमीटर, है कि नहीं? a/2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? a/2 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नाउ हमें क्या निकालना है बेटा? रिमेनिंग पार्ट का हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया निकालना है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा? ध्यान से देखना, इसमें पहले क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, इसमें भी पन्नी चढ़ेगी, मैंने भी बताया था, इसमें भी पन्नी चढ़ेगी साइड साइड से, है ना? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। अब क्या होगा? देखो, जब तुमने क्यूब लिया ना, ये वाला पार्ट भी उसमें आ गया है जो कि सिलेंडर फॉर्म में है यहाँ, मतलब सिलेंडर बोल रहा हूँ, सर्कुलर फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर आपका किस फॉर्म में है? वो सर्कुलर फॉर्म में है इधर, वो वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो वहाँ पर तो पन्नी नहीं चढ़ेगी क्योंकि इधर तो खुला पड़ा है, खुला आसमान है, यहाँ पन्नी नहीं चढ़ेगी। और वो वाला पार्ट तुमने ले लिया है, जब तुमने इसको लिया है, वो वाला पार्ट इसमें ऐड हो चुका है, वो तो तुम्हें नहीं चलेगी, उतनी पन्नी तुम नहीं चला रहे हैं। तो उतनी पन्नी नहीं चला है तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का 6 × साइड का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 2π r² और ये हो जाएगा π r². साइड तो अपने ए ही माना है, तो ये 6a² 2π r² में से r घटाएंगे तो सिर्फ π r² बचेगा। तो 6a² रेडियस अपन के पास कितना हो जाएगा? a/2π और a/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 6a² + π a² / 4, यहीं पे छोड़ दो, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी पार्ट पे थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे ये हमारा
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो क्वेश्चन नंबर 6 फिगर आपके सामने दिख रहा है, कह रहे हैं आप मेडिसिन, जो मेडिसिन है हमारे पास, हर कोई दवाई खाता होगा, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमीस्फेयर्स। यहाँ से देख सकते हैं आप, इधर से एक हेमीस्फेयर है और इधर से एक हेमीस्फेयर है, ओके, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द सर्फेस एरिया, हमें सर्फेस एरिया फाइंड करना है इस पूरे कैप्सूल का, टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले हमारे पास टोटल सर्फेस एरिया निकालना है इस कैप्सूल का। तो अगर आप इधर से देखो और इधर से देखो, तो ये क्या है, एक सिलेंडर है और इधर से एक हेमीस्फेयर है, इधर से हेमीस्फेयर है। तो आंसर में क्या लिखोगे आप, हेमीस्फेयर का जो सरफेस एरिया होगा उसमें आपको ऐड ऑन करना होगा, दो हेमीस्फेयर के एरिया में आपको ऐड ऑन करना होगा एक सिलेंडर का, ठीक है, यही आपको दिख रहा है फिगर में। तो मैं इसको यहाँ डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ पाऊँ, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अगर 5 mm डायमीटर है, सो इस वाले पार्ट का रेडियस क्या हो जाएगा, जो इसका रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा, सिंस क्योंकि दोनों अटैच हैं, रेडियस दोनों का सेम ही होगा। सो ये अगर 5 mm डायमीटर है तो 5/2 यानी कि 2.5 mm ये आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 2.5 mm, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 2.5 mm, क्लियर। सो आपको क्या चाहिए होगी बच्चों, आपको चाहिए होगी इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट चाहिए होगी, एच चाहिए होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर एच, वो क्या होगी, टोटल में से 14 में से, देखो हमें क्या करना होगा बेटा, इस टोटल में से इतना और इतना माइनस करना होगा। तो टोटल में से हमें, अरे यार, टोटल में से हमें क्या माइनस करना है, इधर से 2.5 प्लस उधर से 2.5, दोनों को ऐड करके माइनस कर देना है। तो 14 में से 5 घटा देंगे, ढाई और ढाई 5 होते हैं, 14 - 5 कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा, 9 mm ये हाइट हो जाएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। कोई दिक्कत, कोई दुविधा यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, यही निकालना है हमें। सो देखो बेटा, हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, देखो इधर से अपन का हेमीस्फेयर है, इधर से भी अपन का हेमीस्फेयर है, कितने हेमीस्फेयर है, दो हेमीस्फेयर है, टू, कितने, टू CSE, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, प्लस बीच में क्या है आपका, सिलेंडर है, ये आपका क्या है बच्चों, सिलेंडर है, प्लस CSE ऑफ सिलेंडर। तो 2 CS ऑफ हेमीस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² और CSE का क्या होता है, 2πrh। सो अगर आप देखें 2πr कॉमन है, ठीक है, यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा सिर्फ h, 2, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7 रख लो, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 5/2 ये रख लेते हैं, और 2r, देखो r हमारे पास 2.5 है, तो 2r कितना हो जाएगा, 2 रख देते ना, 5/2, और h हमारे पास कितना है बेटा, 9 है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, सो ये आ जाएगा 22/5/7,
और 5 और 9 14 आ जाएगा, 7 दुनी 14, 22 5 दुनी 10, सो यह आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये आपका 220 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यों लिख रहा हूँ यार, मिलीमीटर में दे रखा है, सॉरी गाइस, मिलीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमने आराम से बना लिया, ठीक है, मिलीमीटर में था। आगे बढ़ते हैं, कई बच्चे स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स भी बना सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ टेंट, हमारे पास जो टेंट है, अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, ठीक है, टेंट बनाया गया है, तंबू गाड़ा गया है, ठीक है, किस फॉर्म में है, हमसे बोला गया है कि एक सिलेंडर है, ये इधर आपको टेंट से बनाना है, ये खाली पार्ट है, इसके ऊपर एक ढकने के लिए कोन टाइप बनाया गया है, ये कोन है, और नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें किसी का यूज़ नहीं किया गया, ये वाला खाली है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, खाली है। सो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या गिवन है कि जो उसका डायमीटर है वो 4 मीटर है, अगर ये 4 मीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये और ये सेम चीज़ है 2 मीटर होगा, हमें पता है, ठीक है, और उसके बाद ये हाइट देखते हैं क्या होता है, फिर आपको स्लैंट हाइट गिवन है, कितनी स्लैंट हाइट क्वेश्चन में गिवन है, 2.8 मीटर, ओके, स्लैंट हाइट 2.8 मीटर दे रखा है, 2.1 मीटर इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट आपको 2.1 मीटर दे रखा है, 2.1 सिलेंडर का मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या चाहिए देखते हैं, सब कुछ तो हमें दे रखा है, अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, नाउ एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास कितना लगा, देखो कैनवास कितना लगा वो बता रहा हूँ, आपने टेंट इधर से बनाया आउटर और टेंट इधर से बनाया, यहाँ कोई टेंट नहीं लगाया, ठीक है, तो कैनवास का जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा सी एस ए ऑफ कॉनिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख देता हूँ शॉर्टकट में, प्लस सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर एल और इसका होता है 2πRH, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, पाई की वैल्यू 22/7, ये पाई की वैल्यू बाद में भी रख सकते हैं, अरे कौन फ़ोन कर रहा है यार, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो पाई की वैल्यू कितनी बाद में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में पाई है, पाई फिलहाल नहीं रखते हैं, आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दिया नहीं था, 2 निकला, ठीक है, और एल हमारे पास दे रखा है 2.8 2.8 2, पाई की वैल्यू अपनी रखते हैं, रेडियस हमारे पास 2, एच हमारे पास 2.1 दे रखा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 2 पाई कॉमन ले लो यहाँ से, 2.8 2.1 प्लस
को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 4.2 में 2.8 ऐड कर दोगे तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 44, 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। अभी आंसर नहीं आया, सॉरी गाइस, अभी आंसर नहीं आया, क्यों? अभी ये हमें सिर्फ कैनवास का मिला है कि कितना कैनवास लगा है ये हमें पता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैनवास की जो कॉस्ट है टेंट ऑफ द रेट 3500 पर मीटर स्क्वायर, हर एक मीटर स्क्वायर पे टेंट लगाने का जो खर्चा आया वो इतना आया है, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 meter square इज इक्वल टू इतना, ठीक है, देयर फॉर कॉस्ट ऑफ 44 meter square, देखो एक टॉफ की कीमत 2 रुपये है, 4 टॉफ की कीमत कितनी होगी, 4 दूनी 8, तो आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 44 से, 44 को मल्टीप्लाई कर देना है इससे, ठीक है, ओके। सही लिखा है ना, 3500 ही तो है, हाँ या 500 है, आई डोंट नो क्या है, बस मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा इतना रुपीज़, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है वो मुझे बताओ कमेंट करके, हो गया होगा आराम से, क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो मुझे एक बार दोबारा ज़रूर बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अभी मैंने इसका थोड़ा बहुत आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड ठोस, एक ठोस सिलेंडर है, देखो एक सिलेंडर का फॉर्म बना लो, एक सिलेंडर बना लो, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ओके, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर का डायमीटर है, ठीक है। अ कॉनिकल कैविटी, इसके अंदर से कॉनिक, कॉनिक की शेप में एक चीज़ काटी जा रही है जिसकी हाइट और जिसकी रेडियस बिल्कुल सेम है सिलेंडर वगैरह वाले पार्ट की तरह, ठीक है। अब इसके अंदर से ना बेटा एक कोन काटा जा रहा है यहाँ से, ठीक, ये कोन काटा गया जिसकी हाइट भी वही है और जिसका रेडियस भी वही है, ठीक है। सो देखो अगर आप ध्यान से देखें तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, जब काट के बाहर निकालोगे ना तो रिमेनिंग पार्ट की शेप कैसे आएगी वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। और आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालनी है। सो लॉजिक क्या होगा बेटा, क्या होगा लॉजिक, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, आपको कवर चढ़ाना है, पन्नी चढ़ानी है, आप ध्यान से देखो पन्नी वाला सिस्टम सही रखते हैं, आपको इधर से पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है पूरा पाइप को घेरना है, चारों तरफ से घेरोगे, इस तरफ से पाइप को पूरा घेरोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कैसा पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल बोल रहा हूँ यार शिट, ये वाला आपका कैसा पार्ट है, आपका सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है ये वाला, इसको भी घेरना पड़ेगा, पन्नी नीचे भी चलानी पड़ेगी, प्लस हो जाएगा। और ये कैसा पार्ट है, ये आपका कोनिकल पार्ट है, इसमें भी तो अंदर से पन्नी चढ़ेगी, ठीक है,
ये चीज़ होगी आपके साथ, तो देखो क्या हो जाएगा। आपको स्लैंट हाइट चाहिए होगी ना, पाई आर एल। अरे भाई एल निकालनी पड़ेगी, तो एल निकाल लेते हैं। सिंस एल क्या होता है बेटा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेशन करूं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो निकाल लेते हैं। एच हमें क्या दे रखा है बेटा, 2.4, ये एच है। रेडियस क्या हो जाएगी, 1.5 है ना। तो देखो बेटा यहाँ से रेडियस, ये वाली जो रेडियस है वो 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। ठीक है, तो एच कितना है बेटा हमारे पास, 2.4 स्क्वायर, और ये है 0.7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 डेसिमल, 2 पॉइंट के बाद 7 7 ज़ा 49 डेसिमल, 2 पॉइंट के बाद ये हो जाएगा 6.25, और स्क्वायर रूट आ जाएगा 25 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लग जाएगा। सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। जो एल हमें नहीं पता था वो भी हमने निकाल दिया बड़े आराम से। ठीक है ना, अब हमें जो बोला है हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, टोटल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ सर्कुलर रीजन जो नीचे है बेटा, और कौन प्लस सी एस ए ऑफ सर्कल। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच, कोन का क्या होता है पाई आर एल, और सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपको बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, धड़ाधड़ करते रहो क्या दिक्कत है। सो देखो करेंगे कैलकुलेशन, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, और एच की वैल्यू है 2.4। 22/7, आर की वैल्यू है 0.7, और एल की वैल्यू है 2.5। 22/7, आर की वैल्यू है 0.7 × 0.7 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, सो काटेंगे देखो क्या हो जाएगा, 7 × 7 7 × 7 7 × 7 पॉइंट में आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 44, 44 × 1 = 44, 4.4 आ जाएगा इंटू 2.4, यह आ जाएगा 2.2 × 2.5। देखो यहाँ से आ जाएगा 2.2 इन, अरे यार इंटू लगाना था, क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2.2 × 0.7। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करो, देखो 4.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10.56। यहाँ से 2.2 कॉमन ले लो और अंदर आ जाएगा 2.5.7। तो या 2.2 को 25 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 5.50, और ये आ जाएगा 1.54। सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या लिख दोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट पे बोल रहा था। ठीक है, 0.5 से ज़्यादा है सो आंसर 18 लिख देना। ठीक है, नियरेस्ट में, क्योंकि 5 पॉइंट, देखो 17.5 या 5 से ज़्यादा आएगा तो 18 के नियरेस्ट में है, तो 18 लिख देंगे हम। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों इस वीडियो का, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार दो बार वीडियो ज़रूर देखें, बैक करके समझें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे अ वुडन आर्टिकल, ठीक है क्या ले लिया मैंने, वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास अभी बोला गया था, देखो अभी मैंने आपको समझाया था, क्या है आपके पास, एक सॉलिड है, ये सॉलिड एक लकड़ी है, इधर से हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाला गया, इधर से एक हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाला गया, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, तो जो फिगर आपको मिल रहा है वो कुछ ऐसा है, ऐसा फिगर है। तो पन्नी किधर से चलेगी, पन्नी पन्नी चलेगी इधर से, साइड साइड से, जो आपका पाइप के टाइप का है ना, साइड से पाइप चलेगी, तो ये हो गया। और पन्नी इधर से भी चलेगी और पन्नी इधर से भी चलेगी, सिंपल। सो देखो क्या क्या गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन सबसे पहले हमें गिवन क्या है दे रखा है बेटा, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एच दे रखा है, ठीक है, ये हमारा एच हो गया। फिर एंड इट्स बेस इज रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, देखो जो इसका रेडियस होगा सिलेंडर का वही रेडियस आपका हेमिस्फेयर का होगा, सो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रेडियस, थ्री पॉइंट फाइव का हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि डायमंड 3.5 है तो इसका हाफ ही होगा। सो अगर इसको प्रॉपर वे में लिखोगे 3.5 को लिख सकते हैं हम 7/2, और ये अपॉन में 2 है, ये यहाँ है आपका 7/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या निकालना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, माइनस नहीं करना है ऐड करना है, इधर से एक हेमिस्फीयर है, इधर से एक हेमिस्फीयर है, प्लस 2 CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। मैंने नोट करके आपको लिखाया था कि क्यों ऐसा करते हैं। ओके बच्चों, सो ये चीज़ आ गई समझ में, फॉर्मूला रखो, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH, और इसका होता है 2πR², तो 2πRH, 2πR कॉमन है, यहाँ से H बचेगा, यहाँ से सिर्फ 2R बचेगा, ठीक है। सो 2π की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे पास है 7/4 एच, ठीक है। एच हमारे पास कितना, हाइट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10, और 2R, ठीक है 2R कितना हो जाएगा, 3.5, 2R बोले तो डायमीटर, 2R का मतलब क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 3.5, एंड इट्स बेस ऑफ, ओ शिट, अच्छा, सॉरी सॉरी गाइस, रेडियस 3.5 है, ठीक है, रेडियस 3.5 है, हम गलत हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने थोड़ा बहुत गलती की है यहाँ पर, आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर ओनली क्या है बेटा, ओनली यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो 2.5 यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से थोड़ा सा गलती हुआ है, मैं भी इंसान हूँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, ठीक है। सो इससे सीख भी हमें मिलती है यहाँ पर, तो 2R कितना है, 3.5, तो 7 से, ओके ओके,
क्योंकि 3.5 है ना रेडियस को, हम लिख सकते हैं 7/2, 3.5 को, तो यहाँ पर 2 है बेटा, ठीक है, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, तो ये बाहर बचा 22, और 7 और ये 10, 17, ठीक है। तो 17 दुनी 34 का 4, 17 दुनी 34, 17 दुनी 34 हासिल लगा 3, 17 दुनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो देखो, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली ये चीज़ हो जाती है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन करते वक्त फोकस के साथ रहना, इधर से उधर हो खत्म, आपको लगेगा कि हम आप सही कर रहे हो, लेकिन वो बाद में आपको रियलाइज हो, अरे यार यहाँ तो मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो एक बार रीचेक ज़रूर किया करो, जो भी आप कर रहे हो रीचेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पता आपने गलती कर दी हो, उसका एहसास ही आपको ना हो रहा हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके प्यार और अपना सपोर्ट ज़रूर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस कर लें, और डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पर। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।